की नायकत्व वह पार्टी की उम्मीद वारस चरत्र तो यहमात्र संबंध लेने संस्थल शक्त व्यक्त सितंबर 17वीं तेदी गीटराय पेकोनी विमोचन दिन मरुक आयन विलीन दिन मरुक आयन विद्रोह दिन चरत्र वक्रीकू प्रजल पक्का पड़ा तीव्रे प्रयत्न चुनाव तरण वास्तव चरत्र आनाटी पोराट भूमि कोसम मुक्ति कोसम व्यक्ति चाकरी विमुक्ति कोसम जो होराट पागन मन कांग्रेस त्याग नायक वास ग्रंथ मन मुझे आभव कायकत्व मन मुझे आना पोराट पागन वाल प्रत्यक्ष वरकू मन मध्य कथल कथल का आना पोराटी चप्पन दाने आ वास्तव चरत्र इप्ति वरकू कि मन तरा विषय प्रचार व्यतिरेक निबी अभिवृद्धि चुस्ल अवसर होनी विज्ञप्ति विषय इन आना पोराट सदर्भ में जगह फला चूस लेदा स्फूर्ति चूस आना जी के प्राप्त साइबर पोराट जगह आंध्र प्राप्त में उठी पार्टी यानी संस्थल यानी अड़े नायकत्व प्रत्यक्ष का भाग परोक्ष भाग अदे रक आना पोरा अन्नी रकल संघी भावने जल्पत आर्थिक वन समीक महत्व पात्र आंध्र प्रात प्रजी प्रजलता आराटा जयप्रद प्रजा पोराट दी नि अन्नी प्राता प्रधानमंत्री पोराट शक्त आलोचाई दाँ जयप्रदानी पूजु दाखी भिन्न प्रात विद्वेश रचपड़ प्रजु कल उड़ी वातावरण सृष्टिस्टू प्रात मरुक प्रात रचपड़ आना पोराट स्फूर्ति आना संघी भावी तेरवरकारी पद्धत व्यवहार कि प्रजर की वेतनाई दाखिल व्यतिरेक निजमें चरत्र प्रजल चैतन्य पचा बाध्यता आंध्रज्योति पत्रिक विद्यासागर ब्रह्मांड कथना तन मेधाशक्ति उपयोग राशा नीन पालकुर्ति प्राता संबंधी वाणि अस्तू रामचंद्र रि गूस अजल्ड वास्तव में चूस दुड्डकोमय्य कड़वि ग्राम बंदगी गचर प्राप्त प्रजा तो मैं नित्य कल आना पोराटे वाल आना याट जगह तीर चपे व्यक्त प्रजोज आया ग्राम प्रत्यक्ष वालूत आश्चर्य वीलो विषय प्रचार इतना दुर्मार्गमो ये मतलब संबंध लेने व्यक्त अतनी पोराटा वक्रीक पक्दारी पड़ी दुर्मार्गमें युतकड़ा अने अर्थम इतनी पालक वर्ग पालक वर्ग पार्टी ओक प्रधानमंत्री युतकड़ी मैं अर्थम चुस् मैं आंत आनाटी रामनारायण रेड्डी गारी अला भीमरे नरसिंह रेड्डी गारे सुंदरय गारे मन स्वराज्य गार इतर नायक इपड़ेवर चरित्र संबंध लेने व्यक्त चुप्तारो अगर प्रजर ये नायक पेर चपुर का चरत्र मसीपूसी मारे का प्रयत्न चुनाव ఒక వాస్తవాన్ని మనం ఈ వార్షికోత్సవం ద్వారా గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఏదో వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఇటువంటి సభలు సమావేశం చెప్పి మన చరిత్రను చెప్పుకోవడం అనేది సరిపోదు. ఈ విషయ ప్రచారానికి వ్యతిరేకంగా
ప్రజలు చరిత్రను వక్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్న శక్తులకు వ్యతిరేకంగా మన ముందున్నటువంటి వాస్తవాలను సాహిత్యాన్ని తీసుకునెళ్ళి ఇప్పటికీ ప్రజల్ని చైతన్యపరచాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ వార్షిక కోసం సందర్భంగా మనందరి మీద ఉన్నదనేది గుర్తించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.